वीडियो को हिंदी में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, दीपक ट्यूशन सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है वो क्रिटिकल एरियाज जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। उस डिस्कशन पे गौर करिए और ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। मैट्रिसेस एक बहुत ही नया चैप्टर है, इस टाइप का पहले हमने कभी भी कुछ नहीं किया है और इसका फ्यूचर में 11, 12 में अगर मैथ्स लोगे तो काफी यूजेज है, तो इसलिए इसको यहां पे अगर अच्छे से कर लोगे तो आगे तुम्हारे लिए कंपैरेटिवली ये इजी हो जाएगा। मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये बेसिकली दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है, ऑब्वियसली ऐसे बॉक्सेस नहीं बने होते, ये बॉक्सेस जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है उनके एलिमेंट्स के। तो इसके यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं सपोज ए बी सी डी, नंबर्स, लेटर्स, कुछ भी हो सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस है इनको हम लोग रोज बोलते हैं और ये जो वर्टिकल में आते हैं इनको कॉलम्स बोलते हैं। हर एलिमेंट को तुम ए आई जे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बड़ा, आई और जे छोटा नीचे सबस्क्रिप्ट में, जहां पे आई मतलब नंबर ऑफ रो, मतलब रो पोजिशन, और जे मतलब कॉलम पोजिशन। मतलब यहां पे जो है जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो उसको लिखेंगे ए 1 1, वैसे ही अगर ये देखो फर्स्ट रो लेकिन थर्ड कॉलम तो ए 1 3, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ऐसा कोई नंबर देखने को मिले मैट्रिक्स में तो घबराने का कोई बात नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब उसमें कितना रोज और कितना कॉलम्स है, तो उसको लिखते हैं हम लोग एम क्रॉस एन। यहां पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, बस खाली एम क्रॉस एन करते हैं। एम मतलब नंबर ऑफ रोज और एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। सो अगर तुम देखो ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है मेरा, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 3 लिखेंगे हम लोग बस। पर मन में अगर तुम इनको मल्टीप्लाई करो तो तुमको पता चलेगा 2 × 3 6 होता है, और 6 देखो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, तो वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितना एलिमेंट्स है, बट इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर ऑर्डर पूछेगा तो 2 क्रॉस 3 ऐसे ही फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, लाइक नॉर्मल एलजेब्रा मैट्रिसेस में भी कुछ सर्टेन ऑपरेशंस होते हैं। जैसे इफ ए इक्वल्स टू बी, मतलब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ए में ए बी सी डी है और मैट्रिक्स बी में पी क्यू आर एस है, तो वैसे सिनेरियो में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। मतलब यहां पे जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो यहां के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से बराबर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू पी, बी इक्वल्स टू क्यू, सी इक्वल्स टू आर एंड डी इक्वल्स टू एस। तो इस तरह से अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें गिवन रहेंगे तो हम लोग उसका वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या मैट्रिक्स में? यस पॉसिबल है। कोई कंडीशन है? यस कंडीशन है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो तुम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर पाओगे और प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होता है, यू सिंपली ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब अगर इस मैट्रिक्स का इसके साथ एडिशन होता तो हम लोग लिखते ए प्लस पी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में बी प्लस क्यू, थर्ड में सी प्लस आर और फोर्थ में डी प्लस एस, तो इस फॉर्मेट में हम लोग का आंसर आ जाता। सब्ट्रैक्शन में भी वही होता, बस वहां पे प्लस की जगह माइनस हो जाता। m इंटू ए, यहां पे m एक स्मॉल लेटर है, मतलब m कुड बी एनी इंटीजर, एनी नंबर, एनी फ्रैक्शन, डज नॉट मैटर। m इंटू ए करना मतलब मल्टीप्लाइंग m विथ एवरी एलिमेंट ऑफ a। तो अगर मैं यहां पे m लिख दू, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा ma, mb, mc और md, तो ये हर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर बाहर में 5a लिखा होता तो 5a, 5b, 5c और 5d हो जाता। a into b, क्या दो अलग अलग मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस yes. क्या कोई कंडीशन है? यस yes. क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि यहां पे a है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स जो कि यहां पे b है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो दोनों मैट्रिक्स है उल्टा सीधा एक बराबर नहीं होता है, दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव।
मतलब a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो पहला मैट्रिक्स है उसमें जितने भी कॉलम्स है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें जितने भी रोज है वो दोनों बराबर होने चाहिए, तब ही तुम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से देखे तो अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस a है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर a क्रॉस n है तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम है, और फाइनली मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर आएगा m इज टू n, सॉरी m क्रॉस n। तो बेसिकली तुमको अगर पहला और दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है तो तुम जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी तुम निकाल सकते हो। और क्या एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स का डिविजन इज नॉट पॉसिबल। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2a माइनस 3 5, मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू माइनस 2 3 7 बी, मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू सी 9 माइनस 1 माइनस 11 एंड 5 इंटू मैट्रिक्स ए प्लस 2 इंटू मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी कॉमा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन में गिवन है 5a प्लस 2b इक्वल्स टू सी, तो अब हम लोग ए बी और सी का जो वैल्यूज है वो हम लोग डाल देंगे। तो ए है हम लोग का 2a माइनस 3 और 5, बी है हम लोगों का माइनस 2 3 7 बी और सी है सी 9 माइनस 1 माइनस 11। तो अभी तक तो हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, अब हम लोग को क्या करना है, एम इंटू ए मतलब ए के हर एलिमेंट से 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टू जा 10, 5 इंटू ए 5a, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 और 5 इंटू 5 25। वैसे ही इसको भी 2 को भी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 3 टू जा 6, 7 टू जा 14 और 2 इंटू बी 2b। इधर का तो कॉपी पेस्ट होता ही रहेगा। इधर अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। एडिशन मतलब इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करो। तो 10 प्लस माइनस 4 दैट इज 10 माइनस 4 दैट इज 6, 5a प्लस 6 माइनस 15 प्लस 14 दैट इज माइनस 1 और 25 प्लस 2b इज इक्वल्स टू सी 9 माइनस 1 माइनस 11। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो माइनस 1 और माइनस 1 बराबर है, इसका मतलब बाकी सब भी बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 इज इक्वल्स टू सी, तो सी का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं 5a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9, सो 5a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9, तो 6 को उधर भेज देंगे तो 9 माइनस 6 दैट इज 3, तो a इज इक्वल्स टू 3 बाई 5। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 25 प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 11, सो 25 प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 11, तो 25 को उधर भेज देंगे तो 2b इक्वल्स टू माइनस 11 माइनस 25 दैट इज माइनस 20 माइनस 36 विच इज इक्वल विच इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू माइनस 18 36 बाई 2। सो हम लोग लास्ट में लिख देते हैं देयरफॉर a इक्वल्स टू 3 बाई 5, b इक्वल्स टू माइनस 18 एंड c इक्वल्स टू 6। इफ मैट्रिक्स a इक्वल्स टू 2 1 0 माइनस 2 कॉमा मैट्रिक्स b इक्वल्स टू 4 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड मैट्रिक्स c इक्वल्स टू माइनस 3 2 माइनस 1 4, फाइंड a स्क्वायर प्लस ac माइनस 5b। अभी तुम चाहो तो मेरे जैसे हर एक का अलग अलग वैल्यू निकाल लो, ए स्क्वायर का अलग वैल्यू निकाला, ac का अलग वैल्यू निकाला, 5b का अलग वैल्यू निकाला और फाइनली जो एक्सप्रेशन था उसमें पुट कर दिया। या फिर तुम चाहो तो एक स्ट्रेट लाइन में पहले एक्सप्रेशन लिखो और वहीं पे सारे सारे को कैलकुलेट करते हुए दिखाओ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है फिर वो स्ट्रेट लाइन ना बहुत क्लमजी हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर तो होता नहीं हमारा। तो वैसे सिनेरियो में नीटनेस मेंटेन करने के लिए आई प्रेफर डूइंग देम सेपरेटली, पर तुम चाहो तो साथ में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ए स्क्वायर का मतलब हर टर्म का स्क्वायर नहीं होता है कि हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, नहीं, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए और पूरा मल्टीप्लीकेशन करके दिखाना पड़ेगा। सो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का, पहले दोनों मैट्रिक्स कॉपी कर लिया, ऑब्वियसली ए ही है, तो 2 1 0 माइनस 2 इंटू 2 1 0 माइनस 2। अब तुम जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो मन में याद रखो मैट्रिक्स का मतलब होता है रो इंटू कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे
सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हो गया 2 × 2 + 1 × 0। वैसे ही हम लोग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जाएंगे, सो 2 × 1 + 1 × −2। वैसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट वुड बी 0 × 2 + −2 × 0। और वैसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 0 × 1 + −2 × −2। अब इसका कैलकुलेशन तो इजी है, दैट इज 2 × 2 = 4 + 1 × 0, दैट इज 4। 2 × 1 = −1 × −2 + 1 × −2, दैट इज −2। तो 2 − 2 = 0, 2 × 0 = 0, −2 × 0 = 0, 0 + 0 = 0। और वैसे ही 0 × 1 = 0 होता है, और −2 × −2 = 4। सो यहाँ पे आया 4। तो हम लोग का ए स्क्वायर का वैल्यू है 4004। वैसे ही अब हम लोग ए सी कैलकुलेट करेंगे, तो पहले ए का जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे, इंटू जो सी का मैट्रिक्स है वो लिख देंगे, फिर अपना मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो 2 × −3 + 1 × −1, 2 × −3 + 1 × −1, 2 × 2 + 1 × 4, 0 × −3 + −2 × −1, फिर 0 × 2 + −2 × 4। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो −6 − 1, दैट इज −7, 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 4, दैट इज 8, 4 + 4 = 8, ये 0 हो जाएगा, प्लस −2, तो बेसिकली 2, −2 × −1, दैट इज 2, और 0 + −8, दैट इज −8। तो AC का भी वैल्यू निकल गया। 5B तो बहुत इजी है, 5 × B का जो मैट्रिक्स है, दैट इज 5 × 4 = 20, 3 × 5 − 15, 2 × 5 − 10, और 1 × 5 = 5। अब हम लोग को एक्सप्रेशन में निकालने दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5B। तो ए स्क्वायर का वैल्यू मेरे को पता है 4004, कॉपी पेस्ट, प्लस ए सी का वैल्यू पता है −7 = −8, कॉपी पेस्ट, माइनस 5B का वैल्यू पता है 25 − 15 और −10। अब तुमको सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तुम चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो, बट आई प्रेफर शोइंग एवरी स्टेप। सो 4 + −7, दैट इज 4 − 7 − 20, 0 + 8 − 5, 0 + 2 − −15, दैट इज +15, एंड 4 − 8, +×−−, और −×−+, दैट इज +10। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 − 7 − 3 − 3 − 20 − 23, 0 + 8 = 8, 8 − 5 = 3, 0 + 2 = 2, 2 + 15 = 17, एंड 4 − 8, दैट इज −4 − 4 + 10, दैट इज 6। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3 − 4 − 1 = 2, कॉमा फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट बी ए इक्वल्स टू आई, कॉमा वेयर आई इज यूनिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऐसे टाइप्स को सम्स को करने का एक स्पेशल तरीका है, ठीक है ना, तो वो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले बी को कैलकुलेट करने के पहले हम लोग को बी का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, बट उससे भी पहले हम लोग जानते हैं आई क्या होता है। आई इज अ यूनिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है 1 0 0 1 से। तो कहीं पे भी अगर आई दिया जाएगा तो तुम ये याद कर लो, हमारे सिर्फ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स तक है, तो हम लोग को उससे ज्यादा का टेंशन है ही नहीं। ऑर्डर 2 मतलब उसका ऑर्डर हो गया 2 × 2, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी बी का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट्स देखेंगे, ये स्टेटमेंट्स को अच्छे से रट्टा मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंस बी ए इज इक्वल्स टू आई एंड आई इज अ 2 × 2 मैट्रिक्स, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, सो देयरफॉर बी ए इज अ 2 × 2 मैट्रिक्स। बी ए भी ऑब्वियसली एक 2 × 2 मैट्रिक्स होएगा, क्योंकि आई 2 × 2 है। सो आई अगर बी ए 2 × 2 मैट्रिक्स है जिसमें से ए है, और ए का वैल्यू के हिसाब से हमको पता है वो 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो बट ए इज अ 2 × 2 मैट्रिक्स, सो देयरफॉर बी इज अ 2 × 2 मैट्रिक्स। यहां तक तो ठीक था, पर लास्ट में बी का वैल्यू सडनली कैसे पता चल गया कि वो 2 × 2 है? कैसे पता चला? वो हम लोग जो फॉर्मूला सीखे थे, बी इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, तो यहां पे बी के लिए लिखते थे एम इंटू ए के लिखते लिए ए इंटू एन, तो आई का आता है m × n। तो वैसे ही अगर मैं सबका वैल्यूज डाल दूं तो ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है,
तो उस हिसाब से m का वैल्यू हो गया 2 और a का वैल्यू हो गया n, तो m क्रॉस a का वैल्यू हो गया 2, सो दैट इज m क्रॉस a मतलब 2 क्रॉस 2, तो b का मैट्रिक्स हो गया 2 क्रॉस 2। अगर ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो हम लोग इसको लेट ले लेते हैं, लेट b इक्वल्स टू a b c या d, तो ऐसे करके कुछ लिख लेंगे इधर। नाउ अच्छा ये रफ वर्क के लिए, ठीक है ये दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। सो नाउ ba इक्वल्स टू i, सिंस ba इज इक्वल्स टू i तो b का वैल्यू है a b c d, i का वैल्यू है 3 -4 -1 2 और सॉरी a का वैल्यू है और i का वैल्यू है 1001। सो अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू 3 माइनस b इंटू माइनस सॉरी प्लस b इंटू माइनस 1 दैट इज 3a माइनस b, माइनस 4 इंटू a, a इंटू माइनस 4 प्लस b इंटू 2 दैट इज माइनस 4a प्लस 2b, c इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू d, सो 3c माइनस d, और वैसे ही c इंटू माइनस 4 प्लस d इंटू 2 दैट इज माइनस 4c प्लस 2d। सिंस ये मैट्रिक्स इक्वल है तो पक्का इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, सो दिस इज इक्वल टू 1, सो 3a माइनस b इज इक्वल टू 1, माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 3c माइनस d इज इक्वल टू 0 एंड 4c माइनस 2d, 4c माइनस 4c प्लस 2d इज इक्वल टू 1। इनको मैंने चार इक्वेशंस मार्क कर दिया, इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। अब इनको तुम चाहो तो कैसे भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेरे को इस पर्टिकुलर सम में सब्स्टिट्यूशन ईजियर लगा, पर तुम कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। सो अगर मैं सेकंड इक्वेशन पे गौर करूं, माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो 2b का वैल्यू क्या है, 4a, 2 और 4 कट गया तो क्या बचा, b इज इक्वल टू 2a। वैसे ही अगर b का वैल्यू 2a और मैं फर्स्ट इक्वेशन में b का वैल्यू पुट कर दूं, तो 3a माइनस b इज इक्वल टू 1, तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू 2a, 3a माइनस 2a a होता है, तो a का वैल्यू 1 आ गया। अगर और मेरे को पता है b का वैल्यू 2a, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो a और b दोनों का वैल्यू आ गया। वैसे ही c और d के इक्वेशंस को भी इक्वेट कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन के हिसाब से 3c माइनस d इक्वल टू 0, तो 3c का वैल्यू क्या हो गया, d। वैसे ही फोर्थ इक्वेशन में 4 माइनस 4c प्लस 2d इक्वल टू 1, d का वैल्यू पुट कर दिया 3c, तो माइनस 4c प्लस 2 इंटू 3c दैट इज 6c इक्वल टू 1, तो माइनस 4c प्लस 6c 2c होता है, तो 2c इज 1, c का वैल्यू 1/2, क्योंकि d का वैल्यू है 3c, तो 3 इंटू 1/2 दैट इज 3/2, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 1, 2, -1/2 और 3/2, a b c और d, तो वो वैल्यूज हम लोग लिख देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। वो क्रिटिकल एरियाज जहां पे तुम अपने काफी मार्क्स लूज कर सकते हो इस सब में, वो है सबसे इंपॉर्टेंट कि बी का ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, और उस कैलकुलेशन के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, नहीं तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, टीचर क्वेश्चन मार्क डाल देगा कि ए बी सी डी आया कहां से, ठीक है ना। उसके बाद वाला पोर्शन ईजी है, कोई बड़ा बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है। एक और जनरली जो मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, वो है ए बी सी डी का वैल्यू निकालने के बाद उसको बी में पुट करना भूल जाते हैं, तो वो ध्यान रखना। क्वेश्चन में तुमसे स्पेसिफिकली पूछा था फाइंड बी, तो बी का वैल्यू निकाल के दिखाना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में, खाली ए बी सी डी का वैल्यू से नहीं चलेगा, ए बी सी डी तुमने मन से लिया था, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर आपको अभी भी इस चैप्टर में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, तो प्लीज नीचे कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे।